कोई अकल ठिकाना नहीं, मितान ने ही चौपट कर दिया सब। ये श्रीफल फोड़ने से काम थोड़े चलेगा, ये श्रीफल इधर दे दिया उधर दे दिया मितान बन गए। अरे श्रीफल का मतलब ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, खोपड़ी में जो ये श्रीफल खोपड़ी का प्रतीक है, ये खोपड़ी अर्पित कर दो अपने मितान को। ये खोपड़ी कुछ और सोच रही और ये नारियल लिए घूम रहे पकड़े पकड़े। कितने लोग कहते हैं ये नारियल यमराज की खोपड़ी है, कमाल है। तो यमराज की खोपड़ी है तो एक नारियल फोड़ दिया तो खोपड़ी फूट गई, फिर दूसरी खोपड़ी कल कहाँ से फोड़ते हो तुम? ये जितने नारियल इतनी खोपड़ी यमराज की है, और फिर आज फोड़ा तब तो यमराज खोपड़ी फूट गई तो मर गया होगा, और फिर वो कल तुम फिर फोड़ते हो तो फिर यमराज कैसे जिंदा हो गया? यमराज खोपड़ी नारियल कैसे बन गई? नारियल तो नारियल के पेड़ में लगता है और खोपड़ी तो शरीर में लगती है, और फोड़ते नारियल हो फूटती खोपड़ी है, ये क्या लफड़ा बना रखा? बहुत नाटक लोगों ने खड़ी कर ली फालतू की। ये नारियल का लेन देन नहीं है, ये जो आप नारियल हमारे पास भेंट करते हो नारियल का तो प्रतीक है। ये आप अपनी खोपड़ी, नारियल में बाल लगे होते कि नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बाल लगे कि नहीं? यानी नारियल तो गुरुदेव खाली एक प्रतीक है, मैं अपनी खोपड़ी, अपना शीर, अपना शीश आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अब आपके ज्ञान के अनुसार ही मेरा खोपड़ी सोचेगी और ज्ञान के अनुसार खोपड़ी डिसीजन लेगी। अब उल्टा पुल्टा खोपड़ी ये काम नहीं करेगी। ये नारियल के बहाने खोपड़ी भेंट की जाती है, लेकिन खोपड़ी में उल्टा ही सोचते हैं और नारियल यहाँ धर के चले जाते हैं। हम नारियल फोड़ते हैं, उनकी खोपड़ी वैसे बनी हुई, उनकी खोपड़ी में कोई असर नहीं। खोपड़ी तो बदलनी चाहिए, खोपड़ी के अंदर का कचड़ा निकल जाना चाहिए। तुम्हारी खोपड़ी के अंदर गुदा वैसे वैसा है, वो सब गड़बड़ मचाते रहते हो, नशा करते रहते हो, तो नारियल भेंट करने से भी मतलब क्या निकला? नारियल भेंट करने का अर्थ है भाइयों और बहनों कि अपनी खोपड़ी को आपके चरणों में शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। ये नारियल का भेंट, ये शीश भेंट का है मामला। शीश उतारे भूई धरे कि मेरा ये शीश, मेरी ये खोपड़ी आपके चरणों में अर्पित है प्रभु, इसको शुद्ध कर देना, महान बना देना। इस मेरी खोपड़ी में कितना राग द्वेष ईर्ष्या वासना सब भरी हुई है, इसमें न जाने क्या क्या विकार भरे हुए हैं, इसको शुद्ध कीजिए प्रभु। ये नारियल तो ऐसे ही दे रहा हूँ, बाकी सिर ये मेरा आपके चरणों में रहे, आपके चरणों का चिंतन हमारे सिर में होता रहे, हमारी खोपड़ी आपके बारे में ध्यान करती रहे, हम आपको सोचते रहें, आपको याद करते रहें, इसलिए ये अर्पण किया जाता है। और इसका अर्थ कहाँ से कहाँ जोड़ दिया जा करके लोगों ने, अब तो लोग नारियल भी लाना बंद कर दीजिए, अब तो केवल खोपड़ी लेकर लोग आते हैं। समझ गए, लोगों को ज्ञान हो गया। यहाँ मैं अभी बैठा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नारियल भेंट किया होगा लोगों ने, और मैं बोलता भी नहीं कि नारियल लेकर आओ, मतलब नारियल तो अपनी खोपड़ी ले आओ, यही काफ़ी है। तुम्हारी खोपड़ी में जो लोभ भरा है, क्रोध भरा है, मोह भरा है, अहंकार भरा है, राग द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी हुई है, चोरी चपारी बेईमानी सब मूर्खता भरी है, ये सब अर्पित कर दो गुरु के चरणों में। सबसे बड़ा दान बुराइयों का दान होता है, अवगुण छोड़ो उनके चरणों में, और अवगुण छोड़ दो तो याद रखना दुनिया में कहीं भी रहो आपको दुख नहीं मिलेगा, अवगुणों के कारण ही दुख होता है। चाहे ससुराल रहो चाहे घर में रहो, अवगुण बढ़ेंगे तो दुख बढ़ेगा, अवगुण घटेंगे तो दुख घटेंगे, अवगुण मिटेंगे तो दुख मिटेंगे, अवगुण नहीं रहेंगे तो दुख भी नहीं रहेंगे। आप गुणवान बनो, अवगुण मत पैदा करो, किसी के देखा धोनी में मत आओ कि वह सो रहे तो हम भी सोएंगे, अरे वह सो रहे तुम भी सोओगे, उनको बुखार आया तो तुमको बुखार भी आना चाहिए क्या, उनको आज भोजन नहीं मिला तो तुम खाओगे कि नहीं खाओगे? चोर कहीं का चुरा के खा लेता है और आलस से उनसे सीखता है, मत सीख। हमारे यहाँ जब सब सो जाते थे, मैं 12 बजे रात को उठकर पढ़ाई करता था, सोते रहो मैं तो जानता हूँ जो सोएगा वही आगे पछताएगा, अपनी तो तैयारी में लगा हुआ हूँ, और अपने काम को करते रहते थे हम सोने वाले। अब उनको सोने के लिए बिस्तर भी मिलना कठिन है, बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं, और जागने वाले के लिए जगह जगह बिस्तर लगा हुआ है। याद रखना, गलती सगे बाप की भी नहीं सीखना चाहिए और अच्छाई तो दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए, वो आदमी बुद्धिमान होता है। अगर गलती रुलाती है
गलती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गुरु सेवा जन बंदगी। बहुत चंद मिनट में आपको इसकी व्याख्या सुनाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोई उठने की कोशिश मत करना, धैर्य रखना। भाइयों और बहनों, गुरु सेवा जन बंदगी। अभी हमारे आपके बीच में बैठे हैं होली राम डट सेना, जो भी गांव के खड़े हो, ये हमारे परम भक्त हैं। विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है इनके पास बैठी, बहुत बड़ी आस्था है। कह रहे थे मेरे पिताजी बीमार हो गए, एक अस्पताल ले गए, बोले मर गए। तो हमने कहा कुछ सांस है, बोले कुछ है। दूसरे अस्पताल ले गए, बोले मर गए नहीं, बोले कुछ सांस है, बोले कुछ सांस है, मर गए। तीसरे अस्पताल ले गए, बोले इलाज शुरू करो, मर गए तो भी करो इलाज। बोले मेरे पिताजी उठकर बैठ गए और बोलने लगे। तो डॉक्टर ने कहा यार ये हुआ कैसे मामला, मतलब। तो बोले आप तो इलाज कर रहे थे और मैं भी इलाज कर रहा था, मैं मन ही मन असंग देव का ध्यान कर रहा था कि आज तुम्हारी परीक्षा है गुरुदेव, मेरे पिता उठकर बैठना चाहिए और बोलना चाहिए, तब समझो तुम हमारे गुरुदेव हो वास्तव में। बोले वो हो गया। तो डॉक्टर ने भी कहा कि वास्तव में ये बात यार हुई कैसे, ये आश्चर्य की बात है। श्रद्धा की शक्ति बहुत बड़ी होती है, आस्था तो हो हमारी, बहुत बड़े बड़े असमंजसों से छूट जाओगे। तो मध्य प्रदेश में देवास जिले में एक गांव में मैं गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई एक मर्डर केस में लिख गया है, गुरुदेव क्या होगा। तो मैंने उनकी तरफ देखा, हमने कहा चिंता न करना, केस लड़ते रहना, बस एक साल बाद मिले। बोले गुरुदेव पूरा छूट गया, बिल्कुल खत्म हो गया, किया भी नहीं था और कुछ हुआ भी नहीं, छुट्टी पा गए हम। कई बार आपको भी गलत लोग फंसाएंगे। अरे आप तो, आप वो महात्मा बुद्ध इतने बड़े थे, उनके आश्रम के पीछे एक स्त्री को मारकर उसकी लाश गाड़ दिया लोगों ने, विरोधी लोग, और फिर रिपोर्ट भी कर दिया, फिर लाश पकड़ी भी गई, पुलिस आ गई, राजा प्रसेनजीत दंग रह गए, इतना बड़ा संत महात्मा बुद्ध, ये क्या हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं भी आश्चर्य में, ये हुआ कैसे। जांच हुई, जब पता चला तब मालूम हुआ कि वो विरोधियों ने कोई औरत को मार के वहाँ गाड़ दिया था, तो जिन्होंने पाप किया था उन्हीं को फल मिला। भाइयों बहनों याद रखना, ये जिंदगी में आप कितने अच्छे हो फिर भी आपके ऊपर असमंजस आ सकते हैं, लेकिन घबराना मत, धैर्य रखना, और जैसी भी संकट समस्या हो उस तरह हिम्मत करके आगे आगे कार्रवाई करते जाना, एक एक दिन तुमको छुटकारा जरूर मिल जाएगा और सफलता मिल जाएगी। इस दुनिया के अंदर लोग तुम्हारे सुख से ज़्यादा परेशान हैं, अपने दुख से कम परेशान हैं।
तुम खुश रहते हो ये उनको बहुत बड़ा दुख है, और ये दुख मिटाने के लिए वो तुमको दुखी करना चाहते हैं कि ये भी मेरे जैसे रोने लग जाएं, जैसा मैं नालायक हूँ ऐसे ये भी हो जाएं। ऐसा लोगों का प्रयास चलेगा, इस भारत देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ईर्ष्या की बीमारी बहुत काम करती है, ईर्ष्या। और ईर्ष्या करने वाले लोग खुद तो विकास करते नहीं, और विकास करने वालों को विकास करने भी नहीं देते, उनकी भी टांग खींचते रहते हैं। अब सोचो देश की दशा क्या होगी, आप खुद तो विकास करते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन जो करते हैं उनकी टांग खींचते हो, तो उनको भी करने देते नहीं, तो देश हमारा विकास से बिल्कुल चूक सकता है, हमारा देश जहां का तहां खड़ा रहेगा, ये कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। खुद ना कुछ करो वहां तक तो पाप है, लेकिन दूसरे को भी कुछ करने ना दो तो ये महापाप है, ये महापाप है, बहुत बड़ी बात है। और करने खुद भी करो तो ये पुण्य है, और दूसरा कोई कर रहा है उसको करने में मदद करो तो ये महापुण्य है, ये महापुण्य है। गुरु सेवा जन बंदगी, दूसरा है जन बंदगी, यानी जन सेवा, समाज सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, गरीबों की सेवा, गायों की सेवा, जन जन की सेवा, सबकी सेवा, सेवा में सेवा, सेवा में मेवा, और सेवा किया तो सबको शांति, सेवा का भाव भी हो। आप जो धन कमाते हो 10% धन सेवा में लगा देना चाहिए, समाज की सेवा में 10% अपने फैमिली रिश्तेदारों की सेवा में लगा दो, 10% धार्मिक सेवाओं में लगा दो, 10% राजनीति की सेवा में लगा दो, 10% जो तुम्हारे गांव में गुंडे लफंगे नालायक हैं उनकी में खर्च कर दो, वो काम नहीं करने देंगे, आपको बिगाड़ेंगे। तो ये आपने 50% खर्च कर दिया, अब बचा आपके पास 50%, वो आधा अपने बिजनेस में लगाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं आएगी, अन्यथा तुमको शांति से लोग रहने नहीं देंगे, बिल्कुल पक्का समझ लो आप। और ये कला सीख लोगे तो ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी, विरोध करने वालों की भी संख्या कम हो जाएगी। ये कला अगर नहीं सीखा तो कदम कदम पर विरोध होगा, आपको आगे बढ़ने में बहुत बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए कभी भी कोई पद मिले उस पद से फायदा बहुत लोगों को कराइए, केवल अपनी फैमिली को नहीं, बहुत सा धन मिल जाए उसमें भी बहुत से लोगों को फायदा कराइए। आपके पास में गाड़ी हो तो एक गाड़ी और ले आइए, और गाँव में जिनके गाड़ी नहीं उनको बता दीजिए, जरूरत हो तो मेरी गाड़ी फ्री है, इच्छा हो तेल डाल लेना, नहीं तो मैं डाल दूंगा, चले जाओ, अन्यथा वे तुम्हारी गाड़ी चोरी करा देंगे, तुम्हारी गाड़ी का पहिया फोड़ देंगे वो तो सब ऐसे यही मॉडल के लोग, तो आपकी गाड़ी बच जाएगी, तुम भी बच जाओगे, नहीं बचना बहुत मुश्किल है। ये संसार में ईर्ष्या बहुत काम करती है, तो जन सेवा, समाज की सेवा भी करना चाहिए, आशीर्वाद। जन बंदगी, इससे भाग्योदय होता है, इससे चमक आती। तीसरी चीज है सत्संगत, और सत्संग सुनो, सत्संग में ध्यान लगाओ। कई बार लोग सत्संग सुनते हैं और ठठेर की बिल्ली बने रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, असर ही नहीं पड़ता उनके ऊपर। ठठेर की बिल्ली का मतलब क्या होता है, सत्संग सुना लेकिन आलसी थे, तो सुनने के बाद भी आलसी ही रहे, असर कोई नहीं, फिर वही बात, सत्संग सुना, लोभी थे, लोभ छूटा नहीं, फिर गए, फिर वही चोरी चपारी शुरू। सत्संग सुना, क्रोधी थे और यहाँ से उठे तो फिर क्रोध शुरू, सड़क पर ही स्टार्ट कर दिया उत्तर प्रदेश में सत्संग छूटा, रात का सत्संग था तो सब विदा हुए, मैं भी विदा हुआ, तो भीड़ थी सड़क पर, तो वहाँ दो पति पत्नी लड़ रहे थे, और दोनों को मैं पहचानता था, दोनों घर भी गया था, तो मेरी लाइट सब चली गई, सड़क की लाइट चली गई, थोड़ा आंधी आ गई थी, मेरी गाड़ी में लाइट थी तो वो दिख रहे थे, वो हमको नहीं देख पा रहे थे, तो मैंने संत जी से कहा कि लाइट धीमी कर दो, चुपचाप निकल चलो। जब धीमी किया तो उनकी नज़र हम पर पड़ी, तो शर्मिंदा हो गए, चुपचाप वो भी चले गए। अरे 3-3 घंटे सत्संग सुना और सड़क पर फिर लड़ाई शुरू, कोई असर पड़े नहीं, ठठेर घर की बिल्ली हो, ठठेर घर की बिल्ली कैसे होती है, ठठेर घर की बिल्ली का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी राजिम कुंभ में मैं गया था, तो जहाँ मेरा निवास था वहाँ बड़े बड़े संतों का भी निवास था, उसी धर्मशाला में,
तो केवल हम ही लोग थे जो हमारी टोली वहाँ झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, पोछा लगाती थी, सब करती थी। बाकी वो जितने थे कोई न झाड़ू छूता था, बाकी कहीं थूक जरूर देते थे पान वान खाकर और गंदगी करते थे। तो मैं तो खैर उनसे मिलता भी नहीं था, बड़े बड़े थे ठीक है, ज़्यादा मिलोगे तो भी झंझट बहुत है। लेकिन अचानक हम निकल पड़े तो वो सब खड़े थे, तो मिल गए सब बड़े बड़े, तो मिल गए तो बातचीत होने लगी। तो हमने कहा आइए फिर बैठ जाइए, मिल ही लेते ठीक से, अंदर बिठा लिया। तो उसमें जो एक बड़ा संत था उसने कहा हमारे भी चेलों को सिखा दो थोड़ा काम करना, सफाई करना। हमने कहा तुम्हारे चेले ठठेर घर की बिल्ली हो गए, वो नहीं सीखेंगे। बोले ठठेर घर की बिल्ली कैसा होता है? अरे हमने कहा बिल्ली होते तो भी ठीक था, बिलौटा हो गए बहुत बड़े खुखवार। तो बोले क्या मतलब हुआ? तो हमने कहा ठठेर वो होता है जो बर्तन बेचने वाला होता है, आशीर्वाद आशीर्वाद, जो बर्तन बेचते उनको ठठेर कहते हैं उत्तर प्रदेश में, नेपाल में। तो बर्तन बेचने वाले के घर में जो बिल्ली रहती है, जब बर्तन गिरते हैं ना, जब वो बर्तन निकालने जाता है तो एक दो चार गिर जाते हैं, आवाज़ होती खड़बड़ खड़बड़, तो बिल्ली जो है उसके अंदर जो बैठी वो डरती नहीं, वो बैठी रहती है। तो एक बार पड़ोस की बिल्ली उसके घर में आ गई, तो वो भी बैठी थी बर्तनों के बीच में पीछे आड़ में। तो ठठेर जब बिल्ली निकालने आया बर्तन, तो एक बर्तन खींचा तो दो चार गिरे खड़बड़ खड़बड़। तो पड़ोस की जो बिल्ली आई थी वो डर गई, उसने पूंछ दबाया और कान दबा, बोले अरे ये तो बहुत गड़बड़िया, ये तो कोई कुछ गिरा रहा मारेगा। तो उस घर की बिल्ली ने कहा तुम घबराओ मत। बोले तुम नहीं घबराते हो क्या बात? बोले मैं ठठेर घर की बिल्ली हूँ, यहाँ ऐसे बर्तन रोज खड़बड़ाते रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस ठठेर घर की बिल्ली और बिलौटा जो बन जाते हैं ऐसे प्रवचन रोज होता है, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ज्यों के त्यों बने रहते, ठठेर घर की बिल्ली है, उनकी बदतमीजी छूटेगी ही नहीं। तो ठठेर घर की बिल्ली मत बनो, अपने में परिवर्तन लाओ, सुधार करो, अन्यथा भविष्य आपका बिगड़ेगा, भाग्य आपका बिगड़ेगा, जिंदगी आपकी बिगड़ेगी। सावधान हो जाओगे जिंदगी आपकी सुधरेगी। अभी तो लगता है कि पिताजी की खोपड़ी गंजी कर रहा हूँ, और लास्ट में लगेगा तुम्हारी खोपड़ी खुद गंजी हो गई, तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही सब आने वाला है। सावधानी बरतिए और अपने आप में सुधार कीजिए। सत्संग सुनने के बाद, सत्संग में आने के बाद आपका लालच भी कम हो जाना चाहिए, आपकी वासना भी कम हो जानी चाहिए, आपकी भक्ति बढ़ जानी चाहिए, और आपका स्वभाव भी सुधरना चाहिए। और जितनी गंदी आते हैं, गलत आते हैं, नशा व्यसन की, दारू मांस मछली अंडा, ये सब छूटना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। तो समझ लो सत्संग का तुम पे प्रभाव पड़ा है, और सत्संग से तुम बदल रहे हो, बदल रहे हो, बदल रहे हो, और एक दिन पूरा बदल जाओगे। सत्संगत तीसरी चीज है, चौथी चीज है वैराग्य। और जिसके अंदर वैराग्य है वह व्यक्ति सौभाग्यशाली। वैराग्य का मतलब होता कहीं लिप्त ना होना, कहीं फंसना नहीं, कोई चक्करबाजी न करना, तिकड़मबाजी न करना। वैराग्यवान जो होता है ना, वो तिकड़मी काम नहीं करता, कभी खुराफात नहीं करता, विषय भोग नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, उसकी दृष्टि शुद्ध रहती, उसको संसार में कहीं कोई आकर्षित ही नहीं कर सकता है। अंदर वैराग्य होना चाहिए। तो विशाल देव कहते हैं जिसके अंदर वैराग्य होता है वो राजनीति में पहुंचेगा और वित्त मंत्री बनेगा, लेकिन एक रुपया फिर भी नहीं चुराएगा। और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है वो PWD मंत्री बनेगा और सड़क का डामर खा जाएगा, गिट्टी खा जाएगा। वैराग्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसके अंदर वैराग्य होगा वो महिला विकास मंत्री भी बना दो तो भी किसी भी महिला को टच नहीं करेगा, सबको माँ समझ करके प्रणाम करेगा और सबके विकास की बात सोचेगा। जिसके अंदर वैराग्य हो, वैराग्य नहीं है तो उसको आप चाहे जिस विभाग का मंत्री, वन मंत्री बना दो, और वन में जाकर के भी कोई दूसरी महिला ढूंढ लेगा, उसके विवेक नहीं है, वैराग्य होना चाहिए। तो जिसके पास वैराग्य होता है वह व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आपके अंदर भी वैराग्य पैदा हो, ताकि आपका मन डावाडोल ना हो, इधर उधर फिसलने ना पाए, और आपका मन सही राह पर चलता रहे, ताकि आपकी जिंदगी में कोई डिस्टर्ब ना हो और अखंड शांति बनी रहे, आपका कल्याण भी हो। साधु महात्माओं में तो अखंड वैराग्य होना चाहिए। साधु महात्मा इतना पवित्र होना चाहिए
भगवान से भी अधिक पवित्र साधु होता है, उसको होना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, नाम सुना है, और साधु को तो देखा है, उसके पैर भी छुआ है। और पैर किसके छुए जाते हैं आपको पता है? ये पैर छूना कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूँगा, साधु संत में तो अखंड वैराग्य होना चाहिए, और जिस साधु में वैराग्य नहीं होगा वो आश्रम भी नहीं चला पाएगा, न तो संत मंडली को चला पाएगा, न खुद सही सलामत चल पाएगा, क्योंकि वैराग्य साधु की जान होती है। वैराग्य नहीं है तो आश्रम में भी आएगा तो धन का लालच करेगा, पद का लालच करेगा, आश्रम में रहकर भी चोरी करेगा, तो आश्रम विकास कैसे करेगा? वैराग्य नहीं है तो काम वासना में खुराफात करेगा, आश्रम की छवि बिगाड़ देगा। वैराग्य कमजोर है, अहंकार भी दिखाएगा, क्या समझ रखा हमको, दिखा के मानूंगा तुमको। अरे क्यों दिखाएगा हमको, तो खुद ही अपने को देख ले, अभी तू खुद नहीं देखा मैं क्या हूँ, दूसरे को दिखाता घूम रहा। तो वैराग्य जब आ जाता है तो अहंकार भी खत्म हो जाता है, लोभ खत्म, मोह खत्म, उसको कुछ भी लफड़ा नहीं। उसके लिए पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही उसका परिवार है, सबके घर उसके घर हैं और सब माताएं उसकी माँ हैं, और सबके लिए वो जिंदगी जीता है, अपने लिए केवल नहीं जीता है, सबके लिए उसका जीवन होता है। सूरज सबको रोशनी देने के लिए सुबह सुबह आ जाता है, पूरा राउंड करके शाम को चला जाता है, इसलिए जाता है कि रात हो जाए तो तुम सो सको, और सवेरे फिर आता है कि जागो काम कर सको, नहीं खाओगे क्या। ऐसे ही जो संत होता है, वैराग्यवान होता है, वो सबके कल्याण का चिंतन करता है, उसका कोई एक फैमिली से कांटेक्ट नहीं होता है, वो पूरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसकी होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय। कबीर का कुटुंब कितना था, कितने लोग उनके कुटुंब में थे? कबीर तो ब्रह्मचारी थे, वैराग्यवान थे, कबीर के कुटुंब, लेकिन कबीर ने वसुधैव कुटुंब माना है। पूरी पृथ्वी के लोग, लोक परलोक के लोग सब कबीर कहते, ये मेरा इतना बड़ा परिवार है, इस धरती पर कोई भी प्राणी भूखा प्यासा न सोए, नंगा उंगाड़ा न रहे, हे साईं मुझको इतना दे देना, अगर साधु मेरे पास आ जाए या दुनिया में कहीं चला जाए तो भी भूखा ना जाए, उस साधु को भी दो रोटी मिल जानी चाहिए। आपके घर में इतना तो होना ही चाहिए कि द्वार पर आया हुआ अतिथि भी खुश होकर चला जाए। कमरे दो नहीं चार बनाइए, एक कमरे में अतिथि भी सो सके। रसोई इतनी बड़ी बनाइए कि 20 अतिथि आ जाए तो उनका भी भोजन बन सके। गद्दे रजाई इतने रखिए कि 10 अतिथि आ जाए तो उनको बिछाने और ओढ़ने की व्यवस्था कर दीजिए। केवल अपने लिए मत सोचिए, वसुधैव कुटुंबकम है, और मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि देव भव है, वो अतिथि देवता होता है, उसका स्वागत करना है, इससे भाग्य उदय होता है। अतिथि देव भव, भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जिते, तो आपका सौभाग्य उदय हो। चार चीजें हैं, गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग, तब समझ लो आपका बड़ा सौभाग्य है। आपको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं।